हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए लेके एक न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं। आपको कभी भी फिक्सर इस तरह नज़दीक से नहीं लगाना है। आपको हमेशा टोनर या फिक्सर जो भी आप यूज़ करते हो तो दूर से हमेशा लगाएं। तो आप लोगों को मैं ये ट्रिक बता चुकी हूँ। इसके बाद मैं दूसरा चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आप मॉइस्चराइज़र कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से मसाज कर सकते हो, अच्छे तरीके से टाइम दे के मेकअप करिए। बहुत अच्छा बेस बनेगा, बहुत अच्छा मेकअप बनेगा, आप लोग ट्रस्ट करिए। इसके बाद मैं कर रही हूँ लिप केयर। तो मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मेरे पास है कलर वाल का प्राइमर। प्राइमर आपको कभी भी रगड़ के नहीं लगाना है। मैंने कई सारी पिछली वीडियो में भी बताया है, आपको एक लेयर बनानी है, एक परत बनानी है। इसके बाद मैं करूँगी आईब्रो डिफाइन। तो आप लोग देख सकते हैं नार्स का मेरा आईब्रो पैलेट है, सॉरी मार्स का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो आपको ब्राउन शेड से लाइट ब्राउन कलर शेड्स लेके आपको आईब्रो फिल करना है ताकि नेचुरल आईब्रो लगे। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो की ग्रोथ बहुत ही कम है, तो मैं यूज करती हूँ हमेशा यही पैलेट। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा आईब्रो का लुक आया है। इसके बाद मैं कंसीलर से इसको एकदम क्लियर लाइन करती हूँ, जिससे कि मतलब बहुत ही प्यारा लुक आता है। मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है आईब्रो डिफाइन, आई मेकअप एंड सेटल मेकअप लुक ले लिए। आप लोगों को बहुत है बेसिक से बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होती है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, आप देख सकते हैं, जो कि मेरे स्किन टोन से हल्का मैंने कलर करेक्टर मिक्स किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे शॉर्ट्स हैक बनाती हूँ। तो स्पून से इसलिए मैं लगा रही थी क्योंकि मैंने इसे देखा था हैक में कि बहुत कम प्रोडक्ट लगता है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1000 का अगर फाउंडेशन लिया है तो पंप उस पर रहता है। तो आप एक दिन में एक पंप अगर फाउंडेशन लगा रहे हो तो वो तो आपको पड़ जाता है 100 रुपये का, आई थिंक। तो आपको कितने दिन चलेगा, तो आप प्रोडक्ट बचत भी कर सकते हो, प्लस आप कम क्वांटिटी में लगाओ, नेचुरल मेकअप लगेगा। ये आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने आज करके दिखाया भी है। इसके बाद पाउडर का काम होता है, जो कि मैं मैक का यूज़ करती हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ। फिटमी का भी है, वैसे लूज पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेकअप को लॉक करने का काम करता है, जो कि बिल्कुल आपके कपड़े में या तो आप टिश्यूज कुछ भी लेके आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल मेकअप नहीं निकलता। इसके बाद मैंने लगाया ब्लश। ब्लश का मैंने यही ट्रिक बताया है कि ऊपर की तरफ आप हमेशा ब्लश ब्लेंड करें, कंटूअर ब्लेंड करें, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्रीम कंटूअर यूज करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप गर्मियों में तो पाउडर कंटूअर पाउडर ब्लश पाउडर ये सब कुछ यूज कर सकते हो। मैं एकदम सही रिव्यू बता रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं चाहती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, ताकि मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करते हैं बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ लाइक किया करिए, ज़रूर लाइक किया करिए। मुझे 25-24 लाइक देके बहुत दुख होता है कि आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। मुझे पता है वही लोग लाइक करते होंगे जो मेरी तरह मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। उन लोगों को शुक्रिया। इस बार मुझे 100 लाइक चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कि आप लोग लाइक करिए। मैं जानती हूँ कई लोग वीडियो देख लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं लाइक करना, तो आप पहले लाइक किया करिए ज़रूर, इसलिए आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने लगाया है मेसियू का हाइलाइटर, जो ऑफलाइन मैंने परचेस किया था। हाइलाइटर लगाने का मैंने इजी ट्रिक बताया है कि आप टी जोन पे, चिक बोन, आई बोन पे आप कैसे लगाओगे। इसके बाद मैंने जूड़ा बनाया है। जूड़ा का मैंने वीडियो नहीं डाला है। इसके बाद मैं डायरेक्टली आई मेकअप कर रही हूँ। तो आई मेकअप में आप देख सकते हैं अपने पैलेट्स में से मैंने आईशैडो पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड लिया है। इसके बाद मैं इसे दो कलर से मिक्स कर रही हूँ, जो कि सिमरी शेड है एक, जो समझ में नहीं आ रहा उतना फिर मैं 2-3 बार लगा रही हूँ। फिंगर से और ब्रश से भी मैं करती हूँ, मुझे कुछ जल्दी थी इसलिए मैंने सोचा फिंगर से अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। इसके बाद ब्लैक कलर का आई शेडो ले करके स्मच कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी आई मेकअप मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। जो एकदम इंटरेस्टेड होंगे उनसे ज़रूर आने लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेकअप करना हर कोई कर सकता है और हर कोई करता भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं इजी विंग का आई लाइनर भी बता रही हूँ आपको हैक, कि आप ऐसे पहले ऊपर की तरफ विंग बनाएंगे, इसके बाद इसे एक लाइन देना है जो कि जोड़ देना है आपको इनर आउटर कॉर्नर को लेके। आपको जैसे इजी पड़े आप अपने हाथ को एकदम से हिलाएं डुलाएं नहीं, बिल्कुल एकदम आपको कंफर्टेबल लगाना है, डर के बिल्कुल नहीं। और आंखें हमेशा आपकी नीचे नीचे होनी चाहिए, मिरर नीचे रखिए, आप कभी ऊपर ऐसे सामने देख के नहीं लगाओगे, नीचे की तरफ देख के लगाओगे, तो इससे जल्दी लाइनर आपको लगाना आ सकता है। आप बार बार सीखिए,
और बहुत कम प्राइस वाले लाइनर जो होते हैं जल्दी मतलब रिमूव हो जाते हैं, उनको लगा लगा के बार बार सीखिए, और किसी की आँख पे लगा के सीखिए, मतलब सीखिए। मेरा कहना ये है क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको कुछ आएगा, है ना। मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी है तब जाके मुझे भी मतलब मेकअप का कुछ बहुत आने लगा है, और अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरा मेकअप लुक पसंद आता है। कई लोग बोलते हैं दीदी आप वही वही मेकअप लुक करते हो, सेम सेम मेकअप लुक करते हो, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप ब्लैक साड़ी पहनी हो तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लैक ब्लश, ब्लैक लिपस्टिक, ब्लैक आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर साड़ी में स्मोकी आई मेकअप कर सकते हो, आपको ये तो बिल्कुल कॉमन हो चुका है। और न्यूड एंड नेचुरल मेकअप लुक आप हर साड़ी में कर सकते हो, पिंक मेकअप लुक आप ऐसे हल्का लाइट पिंक कर सकते हो, तो मेकअप की थोड़ी बहुत समझ है मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं इस टाइम पे आप कोई भी इतना ग्लिटरी आई मेकअप एकदम चंकी टाइप का कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि मतलब करते होंगे, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसे मतलब लुक हम क्रिएट नहीं करते, सिंपल भी कर सकते हैं जो आसानी से हो सकता है। और इसके बाद मैं आईलेसेस लगाना बता रही हूँ। आईलेसेस जब भी आप लगाएं, हालांकि मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गया था तो मैंने ग्लू ऑर्डर किया है जो कि आने में थोड़े वक्त लगेगा, इसके पहले मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने यूज किया है फेविकोल, एकदम सही सही बता रही हूँ, फेविकोल मैंने लगाया है। अब जब भी मैंने लगाया और बहुत अच्छा भी मतलब इसका वो था, हालांकि लास्ट में जब मैं कई वीडियो शूट कर रही थी तो एक मेरा आईलेस निकल रहा था। इसके बाद मैंने लगाया है न्यूड नेचुरल लिपस्टिक कलर। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।